नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। आप में से एक व्यूवर हैं जिनका नाम जितेंद्र कुमार है। इन्होंने SBI लाइफ का स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान को ले रखा है। इन्होंने मैसेज किया है कि सर, 5 साल किस्त पूरी होने पर सरेंडर करें तो कुछ कम रिटर्न होगा या जितना जमा किया है उतना मिल जाएगा। ये जानना चाहते हैं कि यदि मिस्टर जितेंद्र जी अपने स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी को 5 साल चलाने के बाद सरेंडर करते हैं तो उन्हें सरेंडर वैल्यू के रूप में जितना पैसा उन्होंने दे दिया है वह पूरा पैसा मिल जाएगा या उसमें से कुछ कम रिटर्न होगा। तो वैसे व्यूवर्स जिन्होंने स्मार्ट स्वाधान प्लस प्लान को ले रखा है, किसी कारणवश अपनी पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते, पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि स्मार्ट स्वाधान प्लस प्लान को सरेंडर करने पर आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में कितना पैसा मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने। आगे बढ़ने से पहले वैसे व्यूवर्स जो SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको कितना पैसा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर आपके सामने स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान का ब्रोशर ओपन हो रखा है। इस ब्रोशर को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ब्रोशर को आपको डाउनलोड कर लेना है। और ब्रोशर के पेज नंबर 5 में हमें सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपने SP पॉलिसीज, SP का मतलब सिंगल प्रीमियम वाला पॉलिसी लिया है तो आप अपने स्मार्ट स्वाधान प्लस प्लान को पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम की जगह LPPT जिसे लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म कहते हैं, जिसमें पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि आप लोगों को प्रीमियम के रूप में भुगतान करना होता है, उस ऑप्शन का चुनाव किया है, उस ऑप्शन के तहत लिया है या फिर RP पॉलिसीज। RP पॉलिसीज का मतलब रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज। रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन के तहत आपको एक निश्चित राशि पॉलिसी टर्म के अंत तक प्रीमियम के रूप में देते रहना होता है। यदि आपने स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान को लेते समय LPPT या फिर RP वाले ऑप्शन का चुनाव किया है तो उस कंडीशन में कम से कम 2 साल तक आपको पॉलिसी चलाना ही होता है। पॉलिसी को 2 साल चलाने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि यदि हम अपने स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान को सरेंडर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू के रूप में हमें कितना पैसा मिलेगा। तो स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान में पॉलिसी को सरेंडर करने पर हमें कितना पैसा मिलेगा यह बात पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पॉलिसी को कितने साल तक चलाने के बाद सरेंडर कर रहे हैं। जितना जल्दी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं उतना ही बड़ा अमाउंट आपको नुकसान होता है और जितनी देर से आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं उतना ही कम आपको नुकसान होता है। पॉलिसी को सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू के रूप में हमें कितना पैसा मिलेगा इसका कैलकुलेशन 2 तरीके से किया जाता है, जिसमें एक नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है जिसे SSV कहते हैं और दूसरा गारंटीड सरेंडर वैल्यू होता है जिसे GSV कहते हैं। SSV यानी कि नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू और GSV यानी कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू, इन दोनों में से जिस कंडीशन में अमाउंट ज्यादा होगा
उसका भुगतान आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में कर दिया जाएगा। यहां नीचे हमें बताया गया है कि जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। यहां बताया गया है कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू इज इक्वल टू जीएसवी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रीमियम्स पेड। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम गारंटीड सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जितना भी प्रीमियम हमने दे दिया है उसको जीएसवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम टोटल दिए हुए प्रीमियम को जीएसवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि सरेंडर वैल्यू के रूप में हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। अब सवाल यह होता है कि जीएसवी फैक्टर के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमें बताया गया है द जीएसवी फैक्टर्स फॉर वेरियस पॉलिसी ड्यूरेशंस आर गिवन बिलो। यानी कि पेज नंबर 6 में जब आप ब्रोशर को डाउनलोड करते हैं, स्मार्ट समाधान प्लस पॉलिसी के ब्रोशर को ओपन करते हैं तो पेज नंबर 6 में हमें जीएसबी फैक्टर का टेबल मिल जाता है। देख सकते हैं आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा। यदि हम इस टेबल को समझ जाते हैं, टेबल में जो भी जानकारी दी गई है वह हमें समझ में आ जाता है तो बड़ी आसानी से हम यह पता कर लेंगे कि पॉलिसी को सरेंडर करने पर हमें कितना रुपया मिलेगा। देख सकते हैं जो पहला रो है इसके माध्यम से हमें पॉलिसी टर्म के बारे में जानकारी दी गई है। स्मार्ट स्वाधान प्लस प्लान में जो पॉलिसी टर्म है कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 30 साल तक का होता है और फर्स्ट कॉलम के माध्यम से हमें पॉलिसी ईयर के बारे में बताया गया है। यदि आप अपनी स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी को तीसरे साल सरेंडर करते हैं और आपका जो पॉलिसी टर्म है 15 साल का है तो उस कंडीशन में आपने टोटल जितना अमाउंट प्रीमियम के रूप में दिया है उसका 35% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने 3 साल जो प्रीमियम दिया, 3 बार का जो आपने प्रीमियम दिया वह टोटल 1 लाख रुपए हो गया। अब आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख का 35% यानी कि 35,000 रुपये सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलेगा। सेम इसी तरीके से यदि आप अपनी पॉलिसी को 6ठे साल सरेंडर करते हैं और आपका पॉलिसी टर्म 20 साल का है तो उस कंडीशन में आपने जितना भी अमाउंट प्रीमियम के रूप में दे दिया है उसका 50% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलेगा। तो देख सकते हैं कितना आसान टेबल है, कितनी आसानी से इस टेबल को समझा जा सकता है। यहां मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी को चला सकते हैं तो पॉलिसी को चलाएं, क्योंकि स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी में एक छोटे से अमाउंट पर आपको उसका 100 से 150 गुना वैल्यू के बराबर जो अमाउंट होता है उसका प्रोटेक्शन मिलता है। बेशक स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको उतना ही पैसा मिलता है जितना पैसा आपने प्रीमियम के रूप में भुगतान किया है, लेकिन पॉलिसी टर्म के दौरान जो आपको सिक्योरिटी मिलता है वह आपके द्वारा दिए गए ईयरली प्रीमियम का 100 से 150 गुना होता है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम भूमिका निभाता है। अब यदि आप लोग स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में, स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी के की फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले जरूर देखें और फिर भी यदि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को कैसे सरेंडर करेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके पॉलिसी को कैसे सरेंडर किया जाता है इसकी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए
टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।